पटना में बिहार भाजपा कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध के भाजपाइयों का आंदोलन जारी है। आज मधुबनी जिले के झंझारपुर अनुमंडल कार्यालय के समक्ष भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना दिया और राज्यपाल के नाम एक मांग पत्र स्थानीय अनुमंडल प्रशासन को सौंपा। झंझारपुर जिला उपाध्यक्ष विजय राउत की अध्यक्षता में आयोजित एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में भाजपा के स्थानीय नेताओं ने बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ जमकर हमला बोला और राज्यपाल से तत्काल अलोकतांत्रिक बिहार सरकार को बर्खास्त कर बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। साथ ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ जमकर हमलावर होते हुए कहा कि चार्जशीटेड उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए। कार्यक्रम को पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश मिश्रा, जिला प्रभारी जनमंजय सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य जिबच भिंडवार, उपेंद्र यादव, प्रदेश मंत्री बच्चा बाबू कामत, सतनेश्वर प्रसाद, सुरेंद्र नारायण सिंह, युवा जिलाध्यक्ष नीतीश राय, सुरेश गुप्ता, वरिष्ठ नेता राजेंद्र मंडल व अन्य ने संबोधित किया। दर्जनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन में शामिल होकर बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। झंझारपुर से हरिशंकर प्रसाद की रिपोर्ट। आज धरना का कार्यक्रम है बिहार में सभी जिला मुख्यालय पर, जो हमारे कार्यकर्ता की हत्या हुई है पटना में, उसके विरोध में राष्ट्रीय सभा और धरना का कार्यक्रम। क्या मांग है सरकार से? मांग है कि बिहार में राजनीतिक शासन लगाया जाए, निरंकुश सरकार, सर्वतापूर्वक निर्दोष कार्यकर्ताओं पर, निर्दोष विधानसभा के मार्च पर भाजपा पार्टी द्वारा जो मार्च किया जा रहा था उस पर सर्वतापूर्वक लाठीचार्ज करके सैकड़ों लोगों को घायल किया है और एक को मौत के घाट उतारा है। इसलिए बिहार में राजनीतिक सदस्य। क्या नाम हुआ? उपेंद्र कुमार यादव, प्रदेश कार्य समिति सदस्य। क्रम है आज का? आज हम लोग को 13 जुलाई को पटना में गांधी मैदान से विधानसभा मार्च था, जिसमें नीतीश कुमार जी के द्वारा हमारे कार्यकर्ता पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें एक हमारे ओजस्वी जहानाबाद के जिला महामंत्री जी की मौत हो गई। उसी के द्वारा हम लोग आज जो है सो यहाँ धरना कार्यक्रम कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, जो लोकतंत्र, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में इतनी घमंड अच्छा नहीं है। सरकार आती है और जाती है, आप जहाँ हैं कल कोई वहाँ दूसरा होगा। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो। हम राज्यपाल और आपके माध्यम से राष्ट्रपति जी महोदय से मांग करते हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगे। क्या नाम हुआ? हमारा नाम विजय रथ हुआ, भाजपा जिला उपाध्यक्ष। आपके नेतृत्व में जी जी जी